हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं, वो कैसे चेक कर सकते हैं। या फिर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, उनके मल्टीपल अकाउंट होते हैं और वो उन्हें ये पता नहीं होता कि उन आधार किस अकाउंट से लिंक है। जिससे क्या होता है कि जो गैस सब्सिडी होती है या फिर पीएम आवास का पैसा है या पीएम पेंशन का पैसा होता है या फिर गवर्नमेंट की जितनी भी सारी स्कीम होती है, उनका पैसा किस अकाउंट में जा रहा है वो लोग चेक नहीं कर पाते। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो मैं ये सारी चीज़ों पे आपको डिस्कस करके बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे आप ये सब चेक कर सकते हैं। तो अगर जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपको ना आपको अपना एक ब्राउज़र खोलना, उसमें सर्च करना है NPCI मैपिंग स्टेटस, ठीक है, ये सर्च कर देना और पहले नंबर पर जो लिंक आ रही है उसको ओपन कर देना है। ये मैंने लिंक ओपन कर दी, आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। कुछ इस तरह का पेज होगा, ये आधार की ही एक पोर्टल है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो ऊपर साइड में आधार नंबर और वर्चुअल आईडी डालने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आधार नंबर और या वर्चुअल आईडी आपको दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। मैं अभी आधार नंबर डाल के यहाँ पे चेक करके बता रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले अपना 16 डिजिट का आधार नंबर डाल देता हूँ। ये सब चेक करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो होना, आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, जब ही ये सारी चीज़ें चेक कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि ये अभी जो आप कैप्चर डालने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पे, रजिस्टर्ड मोबाइल पे आपका OTP सेंड होता है, ठीक है। तो वो सारी OTP उस नंबर से इस पे डालना होता है, ठीक है। तो मतलब जो आधार से आपका लिंक है मोबाइल, उसी से आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। तो जब आपका OTP चल जाता है, तो मैं अभी मेरे मोबाइल पे OTP आ गया, मैं इसको एंटर कर देता हूँ। 6 अंक का OTP आया, ये एंटर कर दिया मैंने। अब इंटर करने के बाद में मेरे पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आई, तो इसने ये बता दिया कि मेरा आधार जो है पंजाब बैंक से लिंक हो रखा है, ठीक है। तो इस यहाँ पे एक्टिव स्टेटस जो है उसका एक्टिव बता रहा है, मतलब कि मेरा अकाउंट अभी लिंक है उससे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप बहुत ईजी में चेक कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट लिंक है तो लिंक बताएंगा, मतलब एक्टिव बताएंगा, अदरवाइज इनएक्टिव बताएंगा, ठीक है। अगर आपका कुछ भी नहीं बता रहा है तो आप आधार लेके जाइए और अपने वहाँ पे बैंक में दीजिए और अपना अकाउंट लिंक करवा दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।